रहना कुमार ठाड़ो। देखिए घर जल रहा है, बीवी घर छोड़कर भाग गई, उधर बहना को जंगल में मार के डालाया है, दो चार सांस बाद में छोड़ आया है। बहना को मार ठाड़ो और रो आज भाई आई आई आई, बहन याद आई 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 आई, बहन याद आई। बहन है ना पत्नी ना घर, देखो जल तो भयो घर जाने अपनो, मिट गयो जीवन को देखो जो सपनो। देखो जल तो भयो घर जाने अपनो, मिट गयो जानी जो देखो है सपनो। जाके पिछारी मारी माँ की बुझाई आई आई आई, बहन याद आई 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 आई, बहन याद आई। आई आई आई, बहन याद आई। से
बहन जंगल में दो चार सास बाकी रह जाती, वहां छोड़ आता है भैया, घर आता है तो घर जल जाता है। उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है, वो भी जाकर एक तालाब में छलांग लगा देता है। अब आगे क्या होता है देखें। ओ आई 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 बहन याद आई, आई आई दोस्तों, इधर भैया गोपाल पानी में कूद जाता है और उधर बहन श्यामा जंगल में पड़ी हुई है। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, कैसे? अरे भैया प्रभु की है लीला न्यारी, लिखी जावे ना टारी, भैया बहन की बच गई जान है। न जाने क्या कर देते हैं पल में। ओ देखो भाई गिरो पानी में, श्यामा मरी परी जंगल में, लीला प्रभु ने ये ऐसी रचाई, भैया बहन की बच गई जान है। देखिए इधर गोपाल की जान बच जाती है। जब उसकी जान बच गई तो उसे होश आया, रे कि मेरी बहन तो वहां पड़ी होगी। तो एकदम अरे कर बहना की याद, वो पापी मन में अत घबरायो, पानी से बाहर आया तो सोचने लगा मेरी बहन कहाँ होगी, या अति घबराने लगा और कहा कि लाओ चलो बहन के पास चलूं कैसे। ओ बच गए भाई के प्राण, वो पापी पानी से बाहर आयो, अरे कर बहना की याद, वो पापी मन में अति घबरायो, अरी अरी मेरी प्यारी बहना। देखिए वहां से भागा है कहां, के देर करी ना उस भाई ने वह जंगल में आया, अरे छोड़ गया था जहां बहन को वहां न उसने पाया। हाय बहना करता करता उसी जगह पर आया था जहां अपनी बहन को छोड़ के गया था, लेकिन वहां उसको अपनी बहन नहीं मिली। ओ देर करी ना उस भाई ने वह जंगल में आया, अरे छोड़ गया था जहां बहन को वहां न उसको पाया। वहां बहन नहीं मिली तो अरे अरी अरी मेरी श्यामा बहना, रोबे और चिल्लावे, अरी अरी मेरी श्यामा बहना, रोबे और चिल्लावे बहना, वो कूनक दर्श दिखाए दे, दिल में नक धीर बंधाए दे, भैया बहन की बच गई जान है। या बहन की जान बच जाती है। जब गोपाल बच जाता है तो एकदम सोचता है, रेग में तो भी बहन को वहां छोड़ आया था, तो भागा भागा जाता है, लेकिन वहां बहन नहीं मिलती है। और आगे होता क्या है, प्रभु की लीला बड़ी विचित्र होती है।
अब आगे सुने। अरे तेरी लीलापुरम पार पार नहीं कोई पावे, ओ तेरी लीलापुरम पार पार नहीं कोई पावे। प्रभु की लीला देखिए, इधर में भैया भी बच गया, बहन भी बच गई, लेकिन मिले एक दूसरे से अभी कोई नहीं। वेद पुराणों ते सब कहते, वेद पुराणों ते सब कहते, और गए ऋषि मुनि सब हार पार नहीं कोई पावे, तेरी लीला अपरम पार पार नहीं कोई पावे। का सार पार नहीं कोई पावे, तेरी लीला अपरम पार पार नहीं कोई पावे। भगवान न जाने क्या कर दे, अगर भगवान की मर्जी हो जाए तुमको राजा बना दे, अगर भगवान की निगाह टेढ़ी हो जाए तो तुमको एक भिखारी बना दे। लिखा है कवि ने, तेरी लीला अपरम पार पार नहीं कोई पावे। भगवान के घर की कुछ नहीं पता, भगवान न जाने पल में क्या कर दें। इधर तो गोपाल ढूंढ रहा है अपनी बहन को और उधर चले जंगल की तरफ। ओम जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। अपरम पार न पायो पार, सुनो मेरे भाई, उस जंगल में ही साधु की एक कुटिया बड़ी सुहाई। उसी जंगल में एक साधु महात्मा रहते हैं, कहां जहां पर श्यामा पड़ी है। अरे करते रात दिन भजन रहे नित मगन, संग हर साई संग हर साई। इधर में देखो साधु महात्मा उसी जंगल में कुटी बनाकर रहते हैं। अब आगे होता क्या है के अरे देखो प्रभु की प्रभुताई, और देखो प्रभु की प्रभुताई, आज साधु को भूख सताई। आज बाबा जी बैठे हैं, आज और दिन के अलावा आज स्वामी जी को भूख ज्यादा ही लग रही थी। तो भैया का भयो,
अरे हाथ कमंडल ले लियो भाई, चल दिए हैं अब भजन कराई। एक दिन साधु बाबा को इतनी जोर की भूख लगी कि उनसे थोड़ी देर भी नहीं रुका गया, तो अपना कमंडल लेकर के चल दिए भिक्षा करने के लिए। कैसे भैया के मार्ग में साधु जा रहे इस गुण गाई, मार्ग में बाबा जी जा रहे हैं, हरे राम हरे कृष्ण करते हुए कि मार्ग में साधु जा रहे इस गुण गाई। जंगल में एक पोत करे पारो है अवल खाई, महाराज लली एक भूमि पर ही दिल खाए। जैसे ही स्वामी जी आगे बढ़े देखा कि एक लड़की मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई है। महाराज लली एक भूम पड़ी बिल खाए और लतपत काया भाई, खून से बदन गयो मुरझाए। मेरे भैया रे ओए मेरे लाला रे, तन पे उदासी वाके छाए रही है, मैं तुमको रे ओ समझाए मेरे लाला रे। साथियों जैसे ही बाबा ने देखा कि एक लड़की पड़ी है तो उनकी भूख प्यास तो गायब होगी भैया और भयो का। अरे भूख का प्यास सबो भज गई बाबा की, अरे भूख का प्यास सबो भज गई बाबा की, कोई चिंता रही है सताए जी। बाबा हो गए बेकार, बोले ये क्या हो गया भगवान, बिल्कुल होश घाबड़े हो गए बाबा। कैसे से गोद में रख लियो बाबा ने, कोई बिटिया को रहे हैं निहार जी। बाबा उस लड़की को देख रहे हैं कि इसको क्या हो गया, कौन ऐसी इसकी दशा करके छोड़ गया। अरे नवज देखिया सा बड़ी मेरे भैया, बाबा ने नवज देखी तो नवज बोल रही थोड़ी थोड़ी, लेकिन लड़की बहुत ज्यादा हालत खराब थी उसकी। अरे नवज देखिया सा बड़ी बाबा की, हाय बड़ी बाबा की, और ओ प्रभु सिर टेर लगाए जी। जैसे ही नवज देखी, नवज थोड़ी थोड़ी चल रही है, बाबा को कुछ विश्वास हो गया कि लड़की सही हो जाएगी, तो उन्होंने प्रभु से ध्यान लगाया, भगवान का थोड़ा भजन किया। उसके बाद हाथ कमंडल ले लियो बाबा ने, हाँ हाथ कमंडल ले लियो बाबा ने, कोई छींटा दे हैं लगाए जी। जैसे ही बाबा ने छींटा लगाए, भगवान का नाम लिया हुआ क्या, कंपन देखो देह में है गई श्यामा के। जैसे ही पानी के छींटा लगे, श्यामा के शरीर में कंपन पैदा होने लगा, कंपन। ओए कंपन देखो है गो श्यामा की देह, कोई बाबा गए हर साए जी। Thank you.
ठीक हो जाएगी। और मान की अब करे का जा छोरी को उनकी ऐसा करे अपने आश्रम पर लेके चले बाबा कह रहे। अब हुआ क्या साथियों, कुटिया पर ले गए उसके बाद औसत देके बाबा ने बोला ली। औसत देके बाबा ने बोला ली, कोई जीवन लियो है बचाए जी। बाबा ने उसके घावों पर मरहम लगाई है, घिसघिस के जड़ी बूटी लगाई है और उसकी सुंदर काया बना ली है। कैसे भैया? ओए सुंदर काया जब भाई बिटिया की, ओए सुंदर काया जब भाई बिटुआ की, कोई साधु गए हर साई जी। अब देखें विचार करें साधु की कितनी बढ़िया बात। अरे वृक्ष का बहुना फल भके मेरे भैया, लिखा ओए वृक्ष का बहुना फल भके मेरे भैया, कोई नदी न पी बह नीर जी। परमारथ के कारण मेरे भैया, हाँ परमारथ के कारण मेरे भैया, कोई साधु न धरो शरीर जी। आज साधु बाबा ने श्यामा को अपनी कुटिया पर ले जाकर औषधि खिलाकर उसके घावों पर मलहम लगाकर मरहम लगाकर उसको ठीक कर लिया है। धीरे 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 एक महीना बीत गया तो हुआ क्या है? अरे बीत गयो एक मास, बढ़ी जब आस खुशी भई भारी, तब एक दिना बा बिटिया ते बाबा ने गिरा उचारी। एक महीना बीत गया, एक दिन बाबा ने उस लली से कहा, श्यामा से कहा, मैं लाऊं धर्म को पिता तू मेरी सोता, धर्म की प्यारी मोए लाली देव बताए रे जंगल की घटना सारी, मोए लाली देव बताए रे जंगल की घटना सारी। अरे कहाँ की है तू रहने वाली, क्यों ना मोय बताए रही।
अरे आँखन में अब भर ले आंसू ऐसे गिरा सुनाए रही है। बाबा ने कहा बेटी तुम कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा कौन सा गांव है, कहा तुम्हारे पति का नाम है, हमें बताओ बेटी। इतनी बात सुनी तो श्यामा बेचारी रोने लगी, आंखों में आंसू भरकर उन साधु बाबा से कहने लगी, पूछते हो तो बाबा तुमको अब बताती हूँ मैं। बाबा तुम पूछते हो तो मैं बताती हूँ अपने जीवन की कहानी। पूछते हो तो बाबा तुमको अब बताती हूँ मैं, अपने जीवन में जो गुजरी है वो सुनाती हूँ मैं। अपने जीवन में जो गुजरी है वो सुनाती हूँ मैं। बाबा मेरे जीवन में क्या क्या गुजरी है मैं तुम्हें बताऊंगी बाबा। सुनो बाबा, छोड़ बाबुल भी मरे और मैया भी मरी। बाबा मेरे बाबुल मुझे बचपन में ही छोड़ के मर गए थे बाबा, और मेरी माँ भी मर गई थी, मेरे भैया ने मुझे पाला था और मेरी शादी करी थी बाबा। छोड़ बाबुल भी मरे और मैया भी मरी, भाई ने पाला मुझे और शादी भी करी। आगे क्या बीती मेरे दिल पे अब बताती हूँ मैं, अपने जीवन में जो गुजरी है वो सुनाती हूँ मैं। अपने जीवन में जो गुजरी है वो सुनाती हूँ मैं। अब कहा कहे तुमसे बाबा, हमसे तो
परमात्मा ही रूठ गया है बाबा। है समय बहुत बलवान, सुनो हमसे तो अपने रूठ गए बाबा। तुम मेरा भैया अपना था, मुझे मार के छोड़ गया बाबा। साधु के चरणों में रख लिया है और रोने लगी कैसे। अरे धारी गोदी में शीश लली आज साधु से बतलाई रे बाबा। अरे धारी गोदी में शीश लली आज साधु से बतलाई रे। और का बताऊ बाबा, मेरा भैया बनो कसाई रे बाबा। मेरे भैया ने मुझको मार दिया बाबा। आज
विरन की करनी कैसी है, अरे करनी कैसी है बात सब मन की कह दई है। अरे बहना ने देखो आज विरन की करनी कैसी है। महात्मा जी कहने लगे बेटी चिंता मत करो, अनाथों की तो भगवान ही सुनता है। बेटी मैं तुम्हें वचन देता हूँ तुम सदा सुखी रहोगी। तो आज श्यामा अपनी आंखों में आंसू भरकर साधु से बोली, बाबा सोने मोने जी की बात लली के ख्यालो भयो मन में। अरे सोने मोने जी की बात लली के ख्यालो भयो मन में, और दिल में लगी लोर आग जक लग रही है तन में। बाबा अरे आ कर बोली ए बानी, ए विधाता तेरी लीला का किसी ने पार नहीं पाया है प्रभु। अरे आह कर बोली ए बानी, और दीन बंद भगवान गति तेरी खाऊ नहीं जानी। बाबा आगे जो बचा रही हूँ मैं उसे ध्यान सुनना बाबा। अरे ध्यान आगे को दे लेना, अरे ध्यान आगे को दे लेना, और जो कुछ तुमसे कहूँ बाबा तुम ध्यान से सुन लेना। बाबा उचारी है। बाबा मैं अपनी ससुराल से आई थी तो अपनी सासू से कह के आई थी माँ मैं जल्दी आ जाऊंगी। बाबा मेरी सास आज मुझे याद करके रो रही होगी बाबा। अरे लली ने गिरा उचारी है मेरी रोबत होगी सासू आज कर याद हमारी है। याद कर पत घबरा बेगो, बाबा मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते थे बाबा, अगर उन्हें पता चलेगी तो उनके दिन में धीरज नहीं आएगी बाबा। अरे याद कर पत घबरा बे, अरे भैया अब सब विद से ख्वारी। बाबा अब मेरी सास और मेरे ससुर मेरे पति मुझको देखने के लिए नहीं मिलेंगे बाबा। अरे श्यामा रोए रोए के कहे बात मेरी जान से सुन लियो, अरे श्यामा रोए रोए के कहे बात मेरी जान से सुन लियो। अरे जान से सुन लियो बात मेरी जान से सुन लियो, अब है श्यामा रोए रोए कहे बात मेरे ध्यान से सुन लियो। श्यामा के आंसू पोंछते हुए कहा बेटी तुम रो मत बेटी, भगवान तुम्हारी नैया पार लगाएगा। जब श्यामा ने ऐसे वचन सुने हैं तो श्यामा कहने लगी पिताजी अब मैं तुम्हें अपनी सास का और ससुर का नाम बता रही हूँ, आप मेरे ससुराल में चले जाइए बाबा। आज महात्मा जी बेटी के ससुराल में जाने लगे हैं कैसे। दीदी तेरी का चाचड़िया मां रोज तरह जगराते, माइन तेरे आए नराते, माइन तेरे आए नराते।
भज जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा अरे श्यामा की ससुरार चले ही चले ही सन्यासी बनवासी कमरिया कांधे डारी चल दिए हैं ब्रह्मचारी कमरिया कांधे डारी चल दिए हैं ब्रह्मचारी श्यामा की ससुरार चले साधु बाबा चले जा रहे हैं श्री राम श्री राम श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण करते करते और देखो तो एक अबला नारी एक अबला नारी हमारे जंगल में है हमारी कुटिया पर है कोई बताओ वो किसकी है ओम नमः शिवाय ओए देखो तो एक अबला नारी वन में डोले मारी मारी भैया जाको बनो है वो सत्यानासी बनवासी कमरिया कांधे डारी चल दिए हैं ब्रह्मचारी कमरिया कांधे डारी चल दिए हैं ब्रह्मचारी श्यामा की ससुरार चले अब देखिए महात्मा जी ओम नमः शिवाय श्री राम श्री कृष्ण करते करते आज श्यामा के गांव में आ जाते हैं श्यामा के अब गांव में आके ओए श्यामा के अब गांव में आके कहते हैं आवाज लगा के आवाज लगाई है कि कोई श्यामा नाम की लड़की हमारे पास है अगर इस गांव में उसका कोई हो तो हमें बताओ श्यामा के अब गांव में आके कहते हैं आवाज लगा के ओ कोई बताओ पता गांव वासी रहती है तो दोस्त हुआ क्या एक औरत से आई वह पानी भर रही ना तो वहां से एक आई और बोली कि श्यामा जिठनी लगे हमारी बोली आके एक पनहारी बात है साची सुन होए हासी कमरिया कांधे डारी चल दिए हैं त्रिपुरारी ओए कमरिया कांधे डारी चल दिए हैं त्रिपुरारी श्यामा की ससुरार चले दोस्तों बाबा जी आवाज लगा रहे हैं कि कोई श्यामा नाम की लड़की हमारे साथ रहती है उसने अपने यही गांव बताया है तो एक पनहारी ने आके कहा कि महाराज श्यामा तो हमारी जेठनी लगती है और उसका घर उधर है तो श्यामा के घर पर वो साधु पहुंच जाते हैं कैसे भैया अरे श्यामा के घर साधु पहुंचे दीनों अपनों अलख जमाए
नर नारी सब भग के आए, सब चरण नरे शीत नवाए। सब लोग आए हैं, कहने लगे अरे तो श्यामा की खबर लेके आए हैं, तो हुआ क्या है बंधुओ? हाँ, ऊंचे आसन पर बैठा रे नर नारी सब रहे हर्षाए। कुछ आदमी ने पूछा बाबा जी कहाँ से आए हो, तो बाबा जी कहने लगे अरे अपनी कुटिया से हम आए, ओ अपनी कुटिया से हम लाए, लाए खबर रे तुम्हें सुनाए। और एक लड़की है मेरी कुटिया पर, श्यामा नाम रही बतलाए। और बोले बाबा जी अरे भाई कुटिया ने हमको भेजो, घर को दीनों पतो बताए, सास ससुर और बाप के पति को भैया जल्दी देव बुलाए। है पीहर बउवर गई हमारी, करबे सावन क्यों त्योहार, और के अब ना चैन पड़े जियरा में, बाबा पैया पढ़े तुम्हार, साप साप ने कहा मैं बताए दो, बंधे न दिल में सब करार। बाबा ने सब बात बताई है, और इतनी सुनकर साधु बोले दियो है सारो भेद बताए, बात सुनी जब उन बाबा की घर में हाय हाय मच जाए। तो तेरी शरण में आया प्रभु जी, तेरी शरण में आया। इस जग में, इस जग में जी ने बताया है कि श्यामा नाम की लड़की मेरे पास आश्रम पर रहती है, कुटी पर रहती है। तो श्यामा की सास कहती है कि वो तो मेरी बहू थी, अपने भैया के राखी बांधने गई थी। तो गांव के सारे लोग उन बाबा के साथ कुटी पर चल देते हैं, और उधर में श्यामा की भाभी और उसका यार भटकते भटकते उसी जंगल में आ जाते हैं। कैसे के चलते चलते अब प्यास लगी, दोनों जा रहे हैं रास्ते में, यानी एक प्रेमी और प्रेमिका। कि चलते चलते अब प्यास लगी, वो प्यास में दोनों टूट रहे, वो यार वो श्यामा की भाभी जाए पानी पीवे घूट रहे। दोनों प्रेमी और प्रेम का प्यास से घबरा रहे हैं, कहां पहुंचे जहां पर श्यामा रुकी हुई थी बाबा की कुटी पर। वहां गए और जाकर के पानी मांगने लगे। कैसे कि पानी मांगा जब कुटिया पे, जाकर कहा हमें कोई पानी पिला दो, तो अंदर से श्यामा पानी लेकर आने लगी। कि पानी मांगा जब कुटिया पे, दोनों के नसीबा फूट गए, पानी लेकर श्यामा आई कुछ बोलन बोले छूट गए।
अरे झपट के बाल लली के पकड़े और श्यामा गई घबराई, अरे खींच कुटी से बाहर लाए ना पल की देर लगाई। अब देखो श्यामा की भाभी ने अपने यार से कहा, अरे झाड़ी में ले जाए के लली पुनी चेलियो गिराई, और छाती पे चढ़ श्यामा के अब नागिन से लहराई। श्यामा की छात पर बैठ गई है वो भाभी, मारने लगी है। अब श्यामा रो रही है बेचारी, अरे रोए रोए अरज कर है मेरी भाभी, ओए रोए रोए अरज कर है मेरी भाभी, दे मोए साँच बताई, अरे काहे तू मोए मार रही, क्यों धर लई है निठुराई। बोली, अरे पहले भैया से मरवाओ, अब खुद तू मारन आई, अरे हाय हाय कर बहना ने अब उसको गिरा सुनाई। अरे ऊंचे स्वर में श्यामा बोले, ए मेरे बाबा तुम कहां चले गए। अरे ऊंचे स्वर में श्यामा बोले, बाबा ले ओ खबरिया, अरे बेटी प्यारी तड़प रही है, अत्यारिन से ले ओ बचाए। धर्म लली पे आज मुसीबत आई रे, ओए बाई समय पे नर नारी बाबा के संग गए आई रे। ओ करुणा भरी पुकार तभी एक झाड़ी ते वहां आई रे, गाँव बारिन के संग में बाबा पहुंचे वो जग पे जाई रे। बाबा दिल भी आया बाबा, तुम लगा रहे हो बाबा। साथियों भगवान की लीला देखिए, भगवान की लीला देखिए, जब मिलाता है तो एक झटके मिला देता है। आज मिला दिया है, वही भाभी है, वही उसका यार है, वही उसका पति, वही श्यामा, सब लोग हैं। अरे कैसी लीला रची प्रभु ने, सबको दियो मिलाई रे, ओ कैसी लीला रची प्रभु ने, सबको दियो मिलाई रे। अरे अब श्यामा ने रोए के भैया सबको वचन सुनाई रे। सब लोगों ने उसके यार को और उसकी भाभी को पकड़ लिया है, मारने लगे ही, लेकिन श्यामा कहती है इनको छोड़ दो। आज श्यामा अपने पति के साथ हो जाती है, उसकी भाभी और उसके भैया को गांव में लाते हैं। जब उसको मारने लगते हैं, फांसी पर लटकाने लगते हैं, तो श्यामा रो रो कर कहने लगी, पिया सुनो भैया बेन बहन मेरे भैया को मत मारो, मेरा पिया सुना हो जाएगा। I'm
को श्यामा श्यामा का पति सास मिल जाते हैं, उधर में श्यामा और श्यामा की भाई भी मिल जाते हैं, सब अपने अपने घर में रहने लगते हैं।